आज हम एकदम ब्रांड न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शन, रिलेशंस माने क्या? रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ब्रदर एंड अ सिस्टर, फादर एंड अ सन, टीचर एंड अ स्टूडेंट, ये सब क्या है? एक तरह के रिलेशंस हैं जो कि हम रियल लाइफ में देखते हैं अपने आसपास। सो सिमिलरली हमारे पास मैथ्स में भी कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे कि m और n दो नंबर्स हैं, m इज ग्रेटर देन n, सो m और n के बीच में क्या रिलेशन है? दैट m इज ग्रेटर देन n। और या फिर अपन देखें जैसे दो लाइंस हैं l और m, सो इन दो लाइंस के बीच रिलेशन क्या है? L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर, तो रिलेशन क्या हुआ? पैरेलल का रिलेशन है इन दोनों के बीच में। दो लाइन है L और M, तो यहाँ पे देख सकते हैं L और M दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर का रिलेशन है। या फिर जैसे A और B सेट है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A और B में क्या रिलेशन है, कैसे रिलेटेड है A और B एक दूसरे से? सबसेट है, बिकॉज ए क्या है, अपना बी का सबसेट है, तो सबसेट के थ्रू ए बी से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से मैथ्स में हम काफी सारे रिलेशंस पढ़ेंगे, हमारे पास काफी सारे पेयर होंगे ऑब्जेक्ट्स के, जिसके बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, और फिर आगे जाकर हम एक स्पेशल टाइप का रिलेशन पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शंस। रिलेशंस को समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, दो सेट्स हैं ए एंड बी, ए सेट कंसिस्ट ऑफ टू कलर्स रेड एंड ब्लू, एंड बी सेट कंसिस्ट ऑफ बैग, कोट एंड शर्ट, इसके अंदर तीन एलिमेंट्स है, ठीक है। सो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इन दो सेट्स को यूज करके हम कितने पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना, मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं अलग अलग कलर के, डिस्टिंक्ट कलर के अपन कितने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। सो द आंसर इज रेड बैग, रेड कोट, रेड शर्ट, ब्लू बैग, ब्लू कोट, ब्लू शर्ट, मतलब रेड कलर का एक बैग, रेड कलर का एक कोट, रेड कलर की शर्ट, ब्लू कलर का बैग, ऐसे करके हम क्या कितने बना सकते हैं, सिक्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं अपन ए और बी सेट्स को यूज करके। सो इस एग्जाम्पल को देखकर अपने क्या समझ में आया, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ? अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। कार्टेशियन प्रोडक्ट को अपन कैसे डिनोट कर रहे हैं, पी क्रॉस क्यू से। सपोज ए और बी दो सेट्स हैं, उनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए अपने फ्रॉम ए टू बी, तो कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, P cross Q will be equal to P comma Q such that P belongs to P, capital P, and small Q belongs to capital Q. So जो हमने यहाँ पे example देखा, so अपने क्या निकाला यहाँ पे, A cross B निकाला अपन ने, A cross B करके जो हमारे पास नया सेट आया वो सेट किसका था, कलर्ड ऑब्जेक्ट्स का था। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अपने को ए और बी दो सेट्स दिए हुए हैं, ए में एलिमेंट्स है डी एल एम पी के ए, एंड बी में सेट एलिमेंट्स है 0 1 0 2 0 3। ए जो सेट्स है, सेट है हमारा वो है स्टेट्स का, और बी जो सेट है हमारा वो है कोड्स फॉर लाइसेंस प्लेट्स ऑफ व्हीकल, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीन स्टेट्स हैं और अगर इनको लाइसेंस प्लेट्स बनानी है, और यहाँ पे कंडीशन दी है विद रिस्ट्रिक्शन दैट द कोड बिगिंस विद एन एलिमेंट फ्रॉम ए, which are the pairs available from the these sets and how many such pairs will be there. So इन्होंने बोला है कि आपका जो कोड होगा वो ए से, ए में जो सेट में जो एलिमेंट्स है उन्हीं में से किसी में स्टार्ट होना चाहिए, और कितने सेट्स बनेंगे और क्या क्या बनेंगे, ठीक है। सो जैसे पिछली बार किया था अपन ने रेड बैग, रेड कोट, रेड शर्ट, वैसे किया था, वैसे इस बार करेंगे अपन DL01, DL02, DL03, MP01, MP02, MP03, ऐसे करके बना लेंगे। और ये कितने पेयर्स बनेंगे, 9 डिस्टिंक्ट पेयर्स बनेंगे, और ये हमारा निकल के क्या आया है, A क्रॉस B आया है। अगर हम 01 को पहले डाल देते तो क्या बन जाता, B क्रॉस A। चलो हम इस ऑर्डर वाली बात में आगे बाद में बात करते हैं,
इससे पहले आप ये बताइए कि 9 ऑब्जेक्ट्स कैसे पता चले हमें, अगर मैं किसी दो सेट है उनको देखते ही बताने कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं तो कैसे बताएंगे? तो बहुत सिंपल है, ए की कार्डिनलिटी कितनी है, मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, तो 3 × 3 मतलब 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया, सिंपल। अगर ए में 4 होते, बी में 3 होते तो कितने सेट्स बनते ए क्रॉस बी में, कितने पेयर्स बनते, 12 बनते, सिंपल है। हाँ, सो अब उस बात पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि DL01 01 DL वो दोनों अपने क्या सेम नहीं होते, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। DL01 कब आएगा, जब अपन ए क्रॉस बी कर रहे हैं। अगर अपन ए क्रॉस बी कर रहे हैं यानी कि अपने को ए के एलिमेंट्स को पहले रखना है और बी के एलिमेंट्स को बाद में रखना है, और बी क्रॉस ए कर रहे हैं मतलब बी के एलिमेंट्स को पहले रखना है और ए के एलिमेंट्स को बाद में रखना है, इसीलिए DL01 एंड 01 DL दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमने ए क्रॉस बी निकाला है इसीलिए हमने 01 DL करके यहाँ पे हमारा कोई भी पेयर नहीं है, आप देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। अब जैसे कि अपने पास दो सेट है, ए जिसमें 3 एलिमेंट है a, b, c एंड बी एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1, 2। तो अगर अपन बी क्रॉस ए निकालें तो क्या निकल के आता है, 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c। और अगर सिमिलरली अपन ए क्रॉस बी निकालें तो निकल के आता है a1, a2, b1, b2, c1, c2। सो अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये देख पा रहे हैं कि पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि जो ऑर्डर होता है ना किसी भी पेयर में वो बहुत मैटर करता है, कि जैसे 1a और a1 दोनों एक बात नहीं है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट कौन सा होगा, बी के सेट का एलिमेंट होगा। जैसे कि अपन ने बी क्रॉस ए निकाला तो पेयर्स में कौन सा एलिमेंट पहले आ रहे हैं, बी के एलिमेंट पहले आ रहे हैं, 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, सो बी का एलिमेंट पहले आएगा पेयर में। और अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए का एलिमेंट पहले आएगा, जैसे कि a1, a2, a b, जैसे, ठीक है। अब ये तो हो गई अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब अपन कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो पॉइंट्स रिमेंबर हमें आपको बता दूं। सबसे पहला है कि टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो पेयर हैं ए बी एंड ए बी, ये फर्स्ट पेयर है अपना और ये क्या है अपना सेकेंड पेयर। सो ऊपर स्टेटमेंट क्या कह रही है, अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों अपने फर्स्ट एलिमेंट है, ये दोनों बराबर हैं और ये जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है ये भी अगर सेम है, तब अपन क्या कह सकते हैं कि दो जो पेयर्स हैं अपने वो दोनों इक्वल हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि इफ देर आर पी एलिमेंट्स इन ए एंड क्यू एलिमेंट्स इन बी देन देर विल बी पी क्यू एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। या फिर अपन कह सकते हैं कि अगर ए की कार्डिनलिटी मतलब एन ए पी है और बी की कार्डिनलिटी क्यू है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट, तो ए में पी एलिमेंट्स हैं और बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, देन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, पी इंटू क्यू। नेक्स्ट इज इफ आइदर ए और बी इज नल सेट देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो एम्प्टी, मतलब कि ए या फिर बी दोनों में से अगर कोई भी एक नल सेट है या एम्प्टी सेट है या वॉइड सेट है तो जो अपना ए क्रॉस बी होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए और बी का वो भी क्या होगा, एम्प्टी ही होगा। नेक्स्ट इज ए क्रॉस ए अगर अपन निकालते हैं तो क्या आएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, जहां पे ए बी सी क्या है अपने ए का एक ए के एलिमेंट्स हैं और हियर जो पेयर है अपना ए बी सी इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। और अपन ये जो पॉइंट्स डिस्कस किए छोटे मोटे पॉइंट्स, इन पे छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं, वो देख लेते हैं फटाफट। अब फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि एक ऑर्डर्ड पेयर है x/3+1, y/2/3 = 5/3, 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो अपने को बोला गया है कि ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर है ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, ये दोनों इक्वल हैं। और इक्वल है का क्या मतलब है कि x/3+1 = 5/3 एंड y/2/3 = 1/3, ये अपने को पता चल रहा है इसको देखकर। सो अब इसको सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है, x/3 = 2/3 आ जाएगा, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और उधर उसको सॉल्व करें तो y = कितना आ रहा है, 3/3, और y = कितना आ गया, 1।
काफी सिंपल है। अगर हमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें दो सेट्स को इक्वल लिखा गया हो और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अपने को एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें दो एलिमेंट्स है -1 और 1, और इस बार हमें बोला है ए क्रॉस ए निकालना है अपने को। तो कैसे निकालेंगे? अपन को याद हो आपको, अगर प्रोबेबिलिटी में जैसे हेड और टेल होता था, पर हेड और टेल का अपन सैंपल स्पेस बनाते थे, अगर हम उसको 3 बार टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस बनाते थे उसका। तो सिमिलरली यही इस बार करना है, हमारे पास -1 और 1 है, उसको 3 बार यूज करके हमें अलग अलग पेयर्स बनाने हैं, देखते हैं कितने पेयर्स बनते हैं। तो ए क्रॉस ए कितना आएगा? -1 -1 -1, फिर -1 -1 -1, -1 1 -1, 1 -1 -1, इस तरीके से आप 8 पेयर बना लेंगे। मुझे कैसे पता चला 8 पेयर बनेंगे? बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स है वो कैसे पता चलता है, कि ए में कितने एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बार 3 बार हम क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और किस सेट का निकाल रहे हैं? ए का ही निकाल रहे हैं। तो एन ए क्रॉस ए मतलब कार्डिनलिटी कितने, मतलब कितने एलिमेंट होंगे? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 कितने होंगे? 8। तो हमें पता चल गया 8 एलिमेंट्स होंगे, उस हिसाब से अपन यहाँ अरेंज कर रहे हैं आराम से। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, एक ए सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स है 1 एंड 2, एंड बी एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स है 3, 4। सो हमें बोला है कि राइट ए क्रॉस बी एंड हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। तो सबसे पहले अपने को ए क्रॉस बी लिखने को बोला है, तो बहुत सिंपल, अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी कितना होगा? 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। सो और अगर मैं पूछूं आपसे इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो कितने होंगे? 2 टाइम्स 2, मतलब ए में कितने एलिमेंट्स है? 2, और बी में कितने एलिमेंट्स है? 2। 2 × 2 कितने हो गए? 4। सो 4 एलिमेंट्स हो गए ए क्रॉस बी में, और आप चेक भी कर सकते हैं अपने 4 एलिमेंट्स आए हैं। ठीक है, अब बारी आती है सबसेट कितने होंगे ए क्रॉस बी के। तो अगर आपको याद हो अपने सेट्स जब पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सिमिलरली नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? 2 की पावर 4। क्यों? क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो फाइनल रिजल्ट नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे? 16। इजी है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन जो अपने लास्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, तो फाइंड ए एंड बी। मतलब इस बार ए क्रॉस बी दिया हुआ है अपने को, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है अपने को, ए एंड बी अलग से निकालने को बोला हुआ है। ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है और बी में क्या क्या एलिमेंट्स है। तो ए क्रॉस बी मतलब कि ए के एलिमेंट्स पहले आए हैं और बी के एलिमेंट्स बाद में आए हैं। ठीक है, तो मतलब कि P एंड Q लिखा हुआ है, तो P किसका एलिमेंट होगा? A का होगा, और Q किसका एलिमेंट होगा? B का होगा। P R लिखा हुआ है, तो एक P किसका एलिमेंट होगा? A का होगा, और R किसका होगा? B का होगा। M Q लिखा हुआ है, तो M किसका एलिमेंट होगा? A का होगा, Q किसका होगा? B का होगा। सिंस A क्रॉस B में 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 टाइम्स 2 मतलब कि A में 2 एलिमेंट्स हैं और B में भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो A सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है? रिपीट नहीं करने एलिमेंट्स अपने को, एक ही बार लिखना है कि एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है? पी और एम, और सेकंड एलिमेंट बी जो सेट बनेगा अपना उसमें क्या क्या है? क्यू और आर। सो इस तरीके से अपन ने जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिलेटेड अपन ने सारे डिस्कस कर लिए हैं, और अब आपको आई होप कि आपको ढंग से समझ में आ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं और क्या क्या उसके बारे में जितने भी छोटी मोटी बातें सब अपन ने बता दी। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे रिलेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में।